नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों एनम जीएनएम भर्ती 2018 को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं, ये जो न्यूज है वो राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो दोस्तों कमेंट है, आप थोड़ी शालीनता से करें, आपको यहाँ पे जल्द नियुक्ति मिलेगी। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं क्या है एनम जीएनएम भर्ती 2018 को लेकर अपडेट। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सूचना विशेष संघर्ष समिति 18 अप्रैल नर्सेज भर्ती 2018 में चयनित 12,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने की मुहिम संघर्ष समिति द्वारा चलाई जा रही है। उसी का परिणाम है कि आप सभी मंजिल के इतने करीब हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नर्स श्रेणी द्वितीय दोनों की सूची लगभग तैयार है, जो कि संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में ही आपको अवगत करवा दिया गया था। कुछ न्यायालय संबंधी याचिकाएं हैं जिनके लिए विभाग द्वारा कानूनी यहाँ पे सलाह ली गई है, न्यायालय संबंधी सलाह ली गई है। इसके अलावा भी कुछ औपचारिकताएं और भी शेष हैं जिनको हर रोज दूर करने के यथासंभव प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। तिथि की घोषणा हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नियुक्ति जरूर मिलेगी, अतिशीघ्र मिलेगी। नियुक्ति स्थान के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एवं स्थान विशेष आवश्यकता को ही प्राथमिकता देने की मंशा विभाग द्वारा तय की गई है। यह दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, राजस्थान संघर्ष समिति नर्सेज संघर्ष समिति 2018 ने कहा है कि जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ पर विभाग द्वारा पूरी कर ली गई हैं एनम जीएनएम भर्ती दोनों को लेकर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और औपचारिकताएं हैं जो शेष हैं जिनको हर संभव यहाँ पर दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो है। इसके अलावा यहाँ पर नियुक्ति के स्थान और पीओपी है अतिशीघ्र जारी होने की यहाँ पे बात कही गई है। नियुक्ति स्थान के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एवं स्थान विशेष आवश्यकता को भी प्राथमिकता देने की मंशा विभाग द्वारा तय की गई है। जनप्रतिनिधियों में अभियान में आज उदयपुर से भूपेश मंडारी के द्वारा कमल कनावरिया कमल कटारा लोकसभा सांसद बांसवाड़ा के माध्यम से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघुजी शर्मा से तक बात यहां पे पहुंचाई गई। इसके अलावा संघर्ष समिति ने आपसे निवेदन किया है कि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे एक बार आप ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे ताकि अपने जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो सके। जय नर्सेज, जय संघर्ष समिति। पवन कुमार समोल कुमारी, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सेज भर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर पीओपी जारी करने की बात कही गई है। इन्होंने कहा कि लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, कुछ और औपचारिकताएं हैं जो हर दिन दूर जो है हर दिन यहाँ पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पीओपी भी अतिशीघ्र जारी होने की यहाँ पे बात राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे कही गई है। साथ ही आपसे ये निवेदन किया है कि ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें ताकि पीओपी जल्द से जल्द जारी हो सके। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।